कंडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई उत्तर प्रदेश है। अरे हरदोई उत्तर प्रदेश, सर 80 में से 64 सीटें ले रखी हैं भाजपा ने, क्या लग रहा है आपकी बार? आपकी बार तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना जी, आप पहले व्यक्ति हैं जो यूपी की बात करके, क्योंकि यूपी में अगर ऐसी बातें हो तो फिर हिल जाएगी भाजपा। तो लोग बोल रहे राम मंदिर बन गया, शिक्षा की मंदिर से क्या होगा, मंदिर से खाने को थोड़ी मिल जाएगा हमें, बच्चों की पढ़ाई थोड़ी मंदिर से हो जाएगी, स्वास्थ्य व्यवस्था मंदिर से नहीं हो जाएगी ना। ये तो आप बोल रहे हैं, पर लोग तो बोल रहे हैं ना मंदिर बन गया भैया, अब हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम से खतरा था वो खत्म हो गया तमाम चीजें। अयोध्या से आए हैं राम मंदिर से, अरे बाप रे, राम मंदिर बन गया इधर अभी तो 25% के करीब हुआ है। ये बड़ी खुलासा बोल रहे हो आप, 25% हुआ है अभी तो, 25% बनना है। तेलंगाना और आंध्र में सो तो डिवाइड हो, बाइफरकेशन हो गया, मगर जो मोदी जी आने के बाद जो प्रामिसेस किया, अगर मोदी जी आने के बाद ना तेलंगाना ना आंध्र किसी के लिए भी वो प्रामिस फुलफिल नहीं। टोटल सीटों अगर हम देखें तो तकरीबन 12-14 इधर हैं, उधर पूरा 5-2 है दोनों मिलके। फिर क्या लग रहा है आपको, कितना सीट ले पाएगी बीजेपी दोनों को मिला के? बीजेपी सो हार्डली दे मे गेट 1 or 2 सीट्स इन बोथ स्टेट्स, हार्डली 1 or 2 सीट्स। प्राइम मिनिस्टर किस इंडिया के लिए प्राइम मिनिस्टर है, वो अभी भी गुजरात सीएम जैसा सिर्फ गुजरात को देख रहा, बाकी स्टेट्स को वैसा देखना। सो इज द प्राइम मिनिस्टर फॉर ऑल स्टेट्स, सो यू हैव टू मेंटेन द इक्वालिटी फॉर ऑल स्टेट्स। वोट किया है? नहीं, आज तक कभी वोट नहीं किया। वोट की करना चाहिए। ये देखिएगा कुछ युवा ऐसे भी मिले हमें, अभी हम देखिएगा इंडिया गेट पर हैं, पर आप सब लोगों को वोट जरूर करना चाहिए, क्यों? ये बराबर है। तो आपके यहाँ से जो पहले के सांसद है उनका नाम क्या है? तो पहले तो ये थे अपना, कौन था अपने? थोड़ा पर एक बड़ी चीज है, सांसद पिछली बार जितने भी थे उन्होंने मोदी जी के नाम पर वोट बड़े लिए हैं, पर क्या काम वो कर पाए उतना वो बड़ी बात है, क्योंकि काम करते। विधायक का नाम याद है आपको अपना? नहीं याद है। मैं त्रिभुवन चौहान और अभी लोकार्पण पहुंचा है भारत के दिल में, दिल्ली में हम और इंडिया गेट पर हैं, और मैं आपको इंडिया गेट के जब तक दर्शन कराता हूं, आप ये देखिएगा कि इंडिया गेट पर आज जहां तक मेरी नजर जा रही है हमेशा ही क्राउडेड रहता है, और मुझे यकीन है कि भारतवर्ष के हर राज्य से लोग यहां पर होते हैं और लोकसभा चुनाव सर पर है, भले ही लोग यहां पर घूमने फिरने आए हैं और तमाम चीजें भी हैं, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हो जाती है कि इनका हमें मत समझ में आ जाएगा, क्या चल रहा है देश के अलग अलग राज्यों में उसकी गणना शायद यहीं से हो जाएगी। प्रणाम भाई साहब, एक हमारे साथ हैं यहाँ पे काशीनाथ मुंडे। मुंडे साहब कहाँ से? महाराष्ट्र, पुणे। महाराष्ट्र पुणे से, क्या लग रहा है सर महाराष्ट्र में बड़ी कितनी सीटें हैं अभी? 48 सीटें हैं। 48 पिछली बार वहाँ पर भाजपा ने भी काफी सीट ली थी, और एक नारा भी बड़ा चल रहा है 400 पार, तो उसी पर हमने एक एपिसोड भी आया था कि 400 पार वाकई मुमकिन है या 272 के भी लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी एक गठबंधन टूट गया है, दो बड़ी बड़ी पार्टियां टूट गई हैं, क्या राज ठाकरे को केवल वापस लाने से चीजें ठीक हो जाएंगी? नहीं नहीं सर, उसका तो कोई ये नहीं है, क्योंकि जैसे अभी महाराष्ट्र का संकीर्ण है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है पिछले 10 साल से महाराष्ट्र और भारत में दोनों तरफ बीजेपी की सरकार है, बीच में 2.5 साल भी जो सरकार थी वो महाविकास की थी, शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी की, फिर छोड़ के 7.5 साल सरकार भाजपा की है, वहां पे जो भी कोई विकास हुआ है, जो भी कोई चीजें हुई है उसके बारे में अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन जो आम आदमी है, आम आदमी को जो चीजें मिलनी चाहिए, या रिक्शा वागा हो, फेरी वागा हो, या साधारण व्यक्ति हो जो काम कर रहा है, जॉब स्ट्रक्चर भी बहुत ऐसा बदल गया। अगर मान के चलूं तो क्या लग रहा है आपको, क्या भाजपा वापस से 18-20 सीटें कैप्चर कर पाएगी इस मूवमेंट पर? मैं तो बोलता हूं सर 50-50 चांसेस है दोनों पार्टियों के, जो महाविकास पार्टी है और जो युति यह है महाविकास का पार्टी और महायुति, महाविकास आघाड़ी और महायुति, जो भाजपा का सदगठन है महायुति है, और महाविकास पार्टी जो है वो शिवसेना राष्ट्रवादी और कांग्रेस से तीनों का गठबंधन है, तो ये दोनों पार्टियों में सीधे सीधे गढ़त है। उसमें दो फैक्टर और भी है, एक जो अभी मराठा आंदोलन हुआ उसमें मना जरांगे पार्टी का मराठा आंदोलन का भी एक पार्ट है, और सेकंड है प्रकाश अंबेडकर जी जो इनका वंचित बहुजन आघाड़ी ये भी पार्ट करेगा। थोड़ा अगर हम इधर से करें थोड़ा व्हाइट और आएंगे थोड़ा लाइट की तरफ सर। जी सर, जी सर। सो तो वो जो आप इधर की तरफ आ जाएंगे जो ये पार्ट है उसमें
कि जब वंचित और ये सब मिलाएंगे तो जैसे आपने प्रश्न उठाया कि मन से राज ठाकरे आने जिससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जैसे देखा जाए कि मन से का जो ये है एजेंडा है कि महाराष्ट्रीयन मराठी मानुष को पकड़ के वो एजेंडा लेके चलते हैं राज ठाकरे जी, तो वो जो कंसर्न है उसको वो उद्धव ठाकरे जी को थोड़ा सा डाउन करने के लिए उन्होंने राज ठाकरे जी को साथ में किया है और वो चाहते हैं कि वो जो ठाकरे ठाकरे का बीच में चलता रहे और बीच में वो भाजपा फायदा उठा सके कि वोटों नहीं। पर क्या लगता है एज यो होल, आप वहां देख रहे होंगे समझ रहे होंगे समीकरण, हम उत्तराखंड में देख रहे हैं तो उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि कहां पर चीजें हो रही हैं, कहां पर समीकरण बिगड़, ऐसे ही महाराष्ट्र की बात करें कितनी सीटें लग रहा है आपको 48 में भाजपा लाएगी? इसमें भाजपा 50-50 वही तो बोल रहा हूँ सर, 24 भाजपा महायुति आ जाएंगे और 24 महाविकास आघाड़ी आ जाएंगे। मैम प्रणाम, आप भी अभी महाराष्ट्र ही हैं? सर मैं कर्नाटका से हूँ, बॉर्डर से हूँ। कर्नाटका से हैं आप? कर्नाटका एल्लर्गु नमस्कार, नन्नु निम्म त्रिभुवन नमस्कार। नमस्कार, क्या लग रहा है मैम आपको, कहाँ है कर्नाटका का मूड? अभी विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कैसे अभी बिल्कुल स्वाइप आउट कर दिया कांग्रेस ने, अब क्या लग रहा है लोकसभा में भी रिपीट? अभी तो डेफिनेटली मोदी जी ही आएंगे सर, बीजेपी का ही सरकार बनेगा। हाँ। क्योंकि कर्नाटका की सीटों की बात कर रहा हूँ, 18 सीटें शायद कर्नाटक, कितनी सीटें हैं लोकसभा की कंफर्म नहीं है? हाँ। तो मुझे जो लग रहा है, क्या लग रहा है आपको लोकसभा में, क्योंकि विधानसभा में तो कांग्रेस, विधानसभा में कांग्रेस भले ही जीत गया है लेकिन जो पॉलिसीज उन्होंने बनाए थे लेडीज के लिए भी थोड़ा सा बस का फैसिलिटी वगैरह फ्री बनाया था, लेकिन इनटेंजिबली जो मतलब कमर्शियली जो होना चाहिए वो चीजें नहीं हो पाई क्योंकि बहुत सारे चीजों का रेट बढ़ गया है वहाँ पे, जहाँ पे फ्री का पॉलिसी बनाया है लेकिन वो कंपेंसेट कहीं पे भी नहीं हो रहा है। तो डीके शिवराम जो अभी वहां पर हैं उनका तो कहना है कि किसी भी तरह से हम कहते भी मोदी को तो अभी घुसने नहीं देंगे या भाजपा के बिल्कुल अगेंस्ट है, उस पे क्या लग रहा है आपको? आप लेकिन सर रीजन वाइज देखे ना, मैं निपानी से हूँ, वहाँ पे जल्ले परिवार बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है सर, मैडम भी महिलाओं के लिए काम कर रही है, नॉट ओनली दैट वी आर हैप्पी विद दैट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, सो सम इम्प्रूवमेंट्स आर गोइंग ऑन, डेफिनेटली माई वोट विल बी फॉर बीजेपी। योर वोट विल बी फॉर बीजेपी। मैम प्रणाम, आप कहाँ से हैं मैम? मैं भी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से चांगा सांगला मैम, क्या तुम्हारे नाम क्या है? How do you say that? डॉक्टर मोनिका चव्हाण। हाँ माझे नाव असं म्हणतात। हाँ डॉक्टर मोनिका चव्हाण। अरे मैम चौहान, मैं भी चौहान हूँ मैम। तो मैंने अभी सर से भी बात करा था, महाराष्ट्र में क्या समीकरण लग रही है आपको, भाजपा या कांग्रेस कहाँ जाने वाले? नहीं कुछ कह नहीं सकते अभी, भाजपा जाएगा या कांग्रेस जाएगा। हाँ कौन जीतेगा कौन, अभी वो कमिंग जो भी इलेक्शन होगा उसी में पता चलेगा। जो कमिंग इलेक्शन है, इलेक्शन तो आने वाले हैं, तमाम चरणों पर बात हो रही है, तमाम चीजें यहाँ पर, कुछ और भाई लोग भी हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब फोटो आपकी हम खींच लेते हैं, देखिए आपका बैग भी साथ में, कहाँ से चल रहे हैं? हम अभी हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से आए हैं, क्या बात है। तो नीनवू क्या क्या बोलते हैं उसको, नेनू नेबू? हाँ हाँ नेम आदित्य मेरा नाम। नहीं नहीं उसको बोलते क्या है हैदराबाद? निपेरंडी। हाँ निपेरंडी आदित्य। आदित्य आदित्य कैसा लग रहा है अभी हैदराबाद में, एक तरफ वाईएसआर रेड्डी तमाम चीजों को लेकर, क्या भाजपा बना पा रही है जगह अपनी? नहीं इधर तो अच्छा लग रहा है फिलहाल, तो कुछ देखने के लिए आया है घूमने के लिए। यहाँ नहीं, मैं अभी लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन के लिए तो इतना फिलहाल मेरे को आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है तो हैदराबाद में क्या है माहौल? माहौल तो अभी फिलहाल चेकिंग वेकिंग बहुत अच्छा चल रही है और बराबर है माहौल वगैरह, और इलेक्शन वगैरह में हम तो कोई लेना देना नहीं, हमको ये कुछ मतलब ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है उसमें इलेक्शन। अच्छा। के लिए नहीं, तो एक एक जो चीज है कि भाजपा को लग रहा है 400 पार, क्या लग रहा है वहाँ से सीटें निकल पाएंगी? नो इतना तो इलेक्शन बारे में इतना आइडिया तो नहीं है। अच्छा, आइडिया ही नहीं है, सोचते ही नहीं है आप? क्यों नहीं सोचते हैं आप? वोट किया है? नहीं आज तक कभी वोट नहीं किया। वोट की करना चाहिए, ये देखिएगा कुछ युवा ऐसे भी मिले हमें, अभी हम देखिएगा इंडिया गेट पर है, पर आप सब लोगों को वोट जरूर करना चाहिए। क्यों? ये बराबर है, वोट करने वापस कब जा रहे हो? मैं अभी जाऊंगा, अब इलेक्शन 5 दिन के पहले जाऊंगा और वोट करके आऊंगा। मैम भी वहीं से? नहीं मैम तो इधर आंध्र प्रदेश से। अच्छा आंध्र से, देखो हैदराबाद आंध्र, मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा हमें। हाँ दिल्ली वाले भी, दिल्ली वाले भाई से भी पूछेंगे। मैम निपेरंडी एम चस्त नारू लेक्चरर मैम, क्या लग रहा है आपको आंध्रा में तो बहुत मुश्किल हालात है भाजपा के लिए, लगता है निकलेगे सीट? मे बी यू नॉट श्योर?
ये चीजें अच्छी हो रही। देखो आंध्रा हो गया हमारा, कर्नाटक भी हो गया, महाराष्ट्र भी हो गया, अब बारी आई है दिल्ली में, जहाँ पर हम बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप अपनी फोटो ले सकते हैं अभी। एक भाई हमारे पास दिल्ली में टीका बड़ा किया हुआ है, मेरे भाई क्या लग रहा है दिल्ली टेम्पल के रहने वाले कहाँ के दिल्ली दिल्ली क्या लग रहा है दिल्ली का मूड अभी? तो कुछ कह नहीं सकते। केजरीवाल जेल में बंद है, क्या कह सकते हैं है? और क्या लग रहा है भाजपा यहाँ 7 सीटों में से कितने निकाल ले पाएगी? आई डोंट नो। यू डोंट नो? दिया है वोट कभी? हाँ। किसको दिया था? भाजपा को दिया था। भाजपा को दिया था, तो क्या लग रहा है भाजपा की आने वाली थी? शायद आ जाए। 7 में से कितने? इधर आओ ना यार, ये कैमरे पे हमारे भाई लोग यार, इधर आप दिन भर फोटो खींचते रहते हो, इधर तो सुनो। देखो कई लोग हैं जिन्हें एक्चुअली आगे आकर बात करनी चाहिए, चाहे जो भी हमारे पॉइंट्स हो उनके बारे में। सर है यहाँ पर, सर वुड यू लाइक टू स्पीक ऑन लोकसभा इलेक्शन 2024? कहाँ से आप? मैं तो पुणे से हूँ। अरे पुणे से, महाराष्ट्र से ही है। देखिए ये लोग भी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में क्या लग रहा है सर, कॉम्पिटेंसी कैसा चल रहा है? भाजपा बोल रही है हम निकालेंगे सीट, लग रहा है भाजपा का ही निकल जाएगा। कितना निकलेगी वो तो पता नहीं सर, वो तो पता नहीं, मुश्किल। लोकसभा बड़ा है, बड़ा इलेक्शन है। तो आपके यहाँ से जो पहले के सांसद है उनका नाम क्या है? तो पहले तो ये थे अपना, कौन था अपने? थोड़ा इधर से आ जाएंगे थोड़ा। हाँ सांसद कौन है आपके? हेलो बेटा, डू यू नो एनी सांसद? क्या करे? अच्छा ऐसा होता है जब घूमने आते हैं तो तमाम चीजें होती है, पर एक बड़ी चीज है, सांसद पिछली बार जितने भी थे उन्होंने मोदी जी के नाम पर वोट बड़े लिए हैं, पर क्या काम वो कर पाए उतना वो बड़ी बात है। क्योंकि काम करते विधायक का नाम याद है आपको अपना? नहीं याद है। क्योंकि एक और भी चीज है जो आज नॉर्मल हम लोग हैं बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते, पर शायद हमें सोचना पड़ेगा, सोच लिया जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एनीवेज आपका। तो महाराष्ट्र से यहाँ पे सर प्रणाम, कहाँ से आए सर? मैं सर अयोध्या से। अयोध्या से? अयोध्या से आए हैं राम मंदिर से? अरे बाप रे, राम मंदिर बन गया सर? अभी तो 25% के करीब हुआ है। ये बड़ी खुलासा बोल रहे हो आप, 25% हुआ है अभी तो? 25% बनना है। तो वहाँ तो सब पूजा वूजा हो गई, अभिषेक हो गया, तमाम चीजें? अभी बहुत सारी चीजें बननी है, अभी तो खाली राम मंदिर का ढांचा खड़ा हुआ है, अभी गेस्ट हाउस, पार्किंग, लॉन, रसोई सब कुछ बनना है। अच्छा। हाँ। तो मतलब वैसे तो बोला जा रहा है कि राम मंदिर, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या लग रहा है अयोध्या का मूड? चलो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से अभी अयोध्या पे बात करते हैं, अयोध्या में कैसा है? बहुत अच्छा माहौल है और अब की बार मोदी सरकार 400 पार रहेगी 100%। कैसे ये मान रहे हैं आप? क्या कुछ काम हुए अयोध्या में ऐसे? क्योंकि मैं देख रहा था जब अयोध्या मंदिर बनाया उसके पीछे के सारे जो दुकानें थी उन सबको हटा दिया गया है, काफी लोग रोड पे हैं, वो लोग रो भी रहे। कहीं का भी डेवलपमेंट होगा तो उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी, और अगर जगह निकलेगी तभी वो स्वच्छ और अच्छी चीज बन पाएगी, और पब्लिक के लिए तभी अच्छा रहेगा। और आने वाले टाइम 2026 तक बहुत भव्य मंदिर और अयोध्या का क्या? एक चीज आप भी, चलो ये मान गया आप भव्य मंदिर है, हाँ राजस्थान भी बहुत अच्छा है सर। रुकिए देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना दिल्ली में सब मिलेंगे, सभी लोग आएंगे यहाँ पर। एक चीज बताइए सर, जब 25% बना हुआ था मंदिर, क्या जरूरत थी जल्दी? वो शंकराचार्य फिर ठीक कह रहे थे? शंकराचार्य अपनी जगह बिल्कुल सही है, उस चीज को हम नकार नहीं रहे हैं कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है, और वैसे शंकराचार्य नहीं बनाए गए हैं, किसी ना किसी बेस पे बनाया गया है, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है। ये राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये अपनी जगह सही है। चलो मोटा मोटी उत्तर प्रदेश पिछली बार 80 में से 64 सीटें थी, अब की बार क्या लग रहा है कितनी सीटें? अभी 80 में से तो लगता है कि 75 पार करेगी। चलिए 75 पार करेगी, राजस्थान से है हमारे भाई, लेकिन बोलना नहीं आएगा। बोलना नहीं आएगा कोई बात नहीं, समझ तो लेते हैं ना आप? समझते हैं, बता रहा हूँ यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर क्लीन स्वीप किया था भाजपा ने पिछली बार, क्यों? 25 में थे 25 सीट, गलत तो नहीं बोल? देखो मैं नंबर में थोड़ा इधर उधर हो सकता हूँ, बहुत थके हुए भी हैं पूरे दिन के, पर फिर भी राज्य बहुत दूर दूर है, याद थोड़ा बहुत रहता है। क्या लग रहा है 25 सीटों में कितनी बचा पाएगी भाजपा? पूरी 25 ही 25 आएगी है? और मोदी को लाएंगे बिल्कुल लाएंगे। क्या क्या काम हो रखे राजस्थान में? अभी राजस्थान बहुत काम किया उन्होंने, जैसे अरे पूरे भारत को स्वच्छ किया उन्होंने, 370 हटाई, राम मंदिर बनाया। वो तो अभी ये राम मंदिर वाले बोले थे 25% आतंक वाले बंद हो गए, 10 साल हो गए, कुछ सुना ही नहीं कहीं बम विस्फोट हुआ ये हुआ। एक चीज बताइए, जैसे आप बोल रहे हैं वहाँ पर राजस्थान में ही एक युवा है लड़का, राठी नहीं भाटी, जान रहे हो आप भाटी? नहीं सुना है नाम? सुना नहीं है नाम? 10 मिलियन तो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको, भाटी निर्दलीय लड़ रहे हैं, और जिस दिन वो अपना वो भरने गए थे तकरीबन 5 से 7 लाख लोग उनके नॉमिनेशन में थे,
तो आप बोल रहे क्लीन स्वीप हो पाएगा कैसे? नहीं नहीं आएंगे बिल्कुल, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, हाँ। चलो ये भी बोल रहे हैं मोदी जी आएंगे। एक भाई यहाँ पर और हैं, शाम को घूमने आते हैं ये। नमस्कार भाई, कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं, अरे वाह क्या बात है। तो लालू जी चले गए, नीतीश जी का राज चल रहा था, सब कुछ चीजें खराब हो गई, पर फिर भी लगे पड़े हैं। थोड़ा बहुत इलेक्शन के बारे में जानते हो? मैं जानता हूँ, हम लोग को उसके बारे में नहीं पता है। हम लोग प्रदेश में रहते हैं। प्रदेश में रहते हैं, कहाँ यही रहते हो? हाँ। चलिए आपसे बात करते हैं, सर आ रहे हैं यहाँ पर, सर से थोड़ा मुलाकात कर लेते हैं। प्रणाम सर, नमस्कार। मैं यही पूछ रहा था लोकसभा चुनाव के लिए। नहीं तो कई लोग अपनी बातें रख। सर प्रणाम सर, कहाँ से आए सर? बोलो ना। तमिलनाडु। तमिलनाडु से आए, ये बड़ा अच्छा राज्य है। प्लीज गिव मी टू मिनट सर। ये आई विल टॉक इन इंग्लिश, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आई ट्राई टू स्पीक लिटिल ऑफ तमिल इफ यू वुड अंडरस्टैंड। तो तमिलनाडु में सर एक अभी बहस देख रहा हूँ, लगातार मोदी जी के भ्रमण हो रहे हैं। हम लोकसभा 2024 के इलेक्शन पे बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है उनका सीट निकलने वाला है कुछ? आप बोलेंगे? कोई नहीं माने, बोल दो ना मोदी जी आए। ये बड़ी बात। मैं आंटी आप बोलो चप्पिंडी लिटिल बिट कुंजुम ओनली तमिल मालो तमिल ले दो, तमिल में ही बोल दो, वी वुड अंडरस्टैंड। क्या लग रहा है आपकी बात? बहुत 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 समझना होगा। यहाँ पर कुछ युवा भी हमारे साथ है, यूथ क्या बात करने वाला है। मैम कहाँ से हैं आप? बॉम्बे। बॉम्बे से हैं, महाराष्ट्र से। क्या लग रहा है महाराष्ट्र में आपकी बात? अच्छा लग रहा है यहाँ पर। नहीं, अच्छा यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया है? नहीं नहीं है। क्या एज होती है इलेक्शन वोट देने की? 18 होती है, इतना मालूम है। अभी लोकसभा इलेक्शन है या विधानसभा इलेक्शन है? लोकसभा है, ये भी पता है। चलो अभी सरकार किसकी है महाराष्ट्र में? बीजेपी मतलब नहीं, शिवसेना की है, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे की। अभी क्या लग रहा है आपको, जो अभी एमसीबी टूटी है वहाँ पर, एक और पार्टी भी छोटी टूटी है, भाजपा के पिछली बार 18 कुछ सीटें थी, क्या मेंटेन कर पाएंगे उनको या ऊपर नीचे कुछ होगा? क्या उतनी आइडिया नहीं है मुझे, उतना आइडिया नहीं। चलिए ठीक है सर, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं मुझे लग रहा है। तेलंगाना। तेलंगाना से या। मैं अभी बात कर रहा था सर, एम चेस्तुनारो अन्ना। So, क्या लग रहा है आपको इलेक्शन की अगर हम बात करेंगे? एक तरफ तेलंगाना और आंध्रा वाले आज तक थोड़ा सा कंफ्यूज है कि भैया अलग तो हो गया है, लेकिन अभी तक ना तो पूर्ण राज्य मिला या इस तरह से चीजें हो रही है, क्या लग रहा है आपको? अभी तेलंगाना और आंध्रा में सो तो डिवाइड हो, बाइफरकेशन हो गया, मगर जो मोदी जी आने के बाद जो प्रामिसेस किया, जब कांग्रेस गवर्नमेंट था जब बाइफरकेशन किया, सारा प्रामिसेस ऑलरेडी संसद में ये रिजोल्यूशन पास किया, मगर मोदी जी आने के बाद ना तेलंगाना ना आंध्रा किसी के लिए भी वो प्रामिस फुलफिल नहीं किया, नहीं हुआ। और तेलंगाना में जो चल रहा है डिफरेंट इश्यू, तेलंगाना में पूरा पहले केसीआर का सरकार था 10 साल, 10 साल में क्या है वो पूरा भ्रष्टाचार किया था पूरा, ये वो जो क्या है इन द इमोशन ऑफ तेलंगाना पीपल रिगार्ड द तेलंगाना स्टेट बिलीविंग तेलंगाना लीडर केसीआर, पीपल हैज गिवन द मैंडेट टू केसीआर फॉर 10 ईयर्स। हाँ जी, ये 10 साल में क्या किया वो पूरा भ्रष्टाचार किया, पूरा पब्लिक का पैसा छीन लिया, सारा लोन्स में चला रहा तेलंगाना गवर्नमेंट। अब उसके वजह से पब्लिक वेक्स होके फिर कांग्रेस गवर्नमेंट लाया। बिल्कुल। सो वहाँ पे अभी सर द क्वेश्चन इज, अभी आपको लग रहा है कि जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए हैं? मैं तेलंगाना और आंध्रा, क्योंकि अभी से कुछ साल पहले देखे दोनों एक ही था आंध्र प्रदेश। यस यस। टोटल सीटों अगर हम देखें तो तकरीबन 12-14 इधर हैं, उधर की पूरा 42 है दोनों मिलके। हाँ। 17 सीट्स फ्रॉम तेलंगाना, रिमेनिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो फिर क्या लग रहा है आपको, कितना सीट ले पाएगी बीजेपी दोनों को मिला के? बीजेपी सो हार्डली दे मे गेट 1 or 2 सीट्स इन बोथ स्टेट्स। हार्डली 1 or 2 सीट्स। हार्डली। अच्छा अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूँ आजकल मोदी जी, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है आंध्र तेलंगाना में पंगा है, तो वो तमिलनाडु जा रहे हैं। अभी कोई तमिलनाडु के भी सर थे, उन्होंने बोलने से थोड़ा मना कर दिया, पर क्या लग रहा है आपको तमिलनाडु? आई डोंट थिंक साउथ पीपल विल एंटरटेन मोदी जी का ये है, क्योंकि कर्नाटका अभी कर्नाटका साउथ में तो मैक्सिमम 90% ऑफ सीट्स में विन द इंडिया कूटमी। अच्छा, बिकॉज वहाँ पे कुछ लोकल इश्यूज चल रहा एंड
इज नेग्लेक्टिंग द साउथ इंडिया। मोदी जब आया पूरा नॉर्थ में जो भी कर रहा, नॉर्थ और गुजरात ये सराउंडिंग एरिया उसमें कर रहा, वहां पे कुछ भी नहीं किया। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी नहीं मिल रहा, सहकार भी नहीं मिल रहा वो साउथ। अच्छा एक चीज और है, जो मोदी जी की गवर्नमेंट की गारंटी की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि राशन हम देने वाले हैं, किसान निधि वो हम देने वाले हैं, क्या आंध्र में और तेलंगाना में मिल रहा है वो लोगों को? वो रेशन है सब कुछ, ये थोड़ी दे रहा अभी आके। जब इंदिरा गांधी थे तब वो जो जिसको घर नहीं है घर दिया था, और गरीब आटा वो बैंक क्या है बैंक ये कर दिया, और ये जो इंडस्ट्रीज है इसरो IDBL ये सब कुछ बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज कांग्रेस ने बनाया। अभी जो मोदी साहब उसको भेज रहा, प्राइवेट लोगों को भेज रहा, बिल्कुल नहीं। पर ये मैं बातों से थोड़ा सा, हाँ सर आप कुछ बोल रहे हैं? गुजरात आदमी मतलब गुजरात का भी कुछ कनेक्शन लग रहा है आपको? गुजरात में कुछ नुकसान होगा गुजरात में तो वो गुजरात मॉडल बोल के पूरा जो इज क्या है वो प्राइम मिनिस्टर किस इंडिया के लिए प्राइम मिनिस्टर है वो अभी भी गुजरात सीएम जैसा सिर्फ गुजरात को देख रहा, बाकी स्टेट्स को वैसा देखना। सो इज द प्राइम मिनिस्टर फॉर ऑल स्टेट्स, सो यू हैव टू मेंटेन द इक्वालिटी फॉर ऑल स्टेट्स। व्हाट यू बिलीव इज द डाउन साउथ ऑल द स्टेट्स इंक्लूडिंग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यू टॉक अबाउट कर्नाटका, यू गो टू डाउन साउथ केरला, और एवरीवेयर देयर इज यू सी देयर इज नो होप फॉर नो होप बिकॉज आप वहाँ का है वो पोल्यूट हो, पूरा कोल्यूट हो गया उससे लोकल में। जो अभी हम तेलंगाना में देखो एग्जांपल, KCR को हटा दिया लोग, बट दे हैव इंटरनल लिंक्स विद KCR एंड BJP, सो पीपल आर नॉट बिलीविंग हिम। और मुझे लग रहा है ये तेलंगाना में अभी जो विजिट है उसका एक कारण बड़ा ये भी है, वो दीदी होती थी बड़ी बिंदी वाली, शी एक्सपायर्ड, उसके बाद इनको लग रहा है वहाँ कुछ होप बन सकता है ऐसा भी? नहीं नहीं सर, तेलंगाना में ऐसा कुछ भी नहीं। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जनरली इफ यू टॉक ओरिजिनली जनरली दे डोंट अलाउ द नेशनल पार्टीज दैट एंड दे डोंट अलाउ दिस नॉर्थ इंडियन, बिकॉज मोदी को एक स्टाम्प पड़ गया कि ये नॉर्थ पार्टी है। अरे नॉर्थ वाले बुरे होते क्या? बुरे मतलब सो इंडिया इज इक्वल सर ऑल स्टेट्स, राइट। वो पीपल को क्या है, मोदी साहब आए तो सिर्फ नॉर्थ को देखता, साउथ को नेग्लेक्ट करता, बोलते हैं दैट साउथ इज डिफरेंट टू नॉर्थ इज डिफरेंट। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्चुअल ब्रेन दैट पीपल अप्लाई। यस यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू। और देखिएगा, हमने कहा था आपको कि भैया जब हम दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली का दिल ये इंडिया गेट, इसकी शान बनी रहे, इसका अभिमान बना रहे, हमारा गौरव बना रहे, और उसी सब चले ये 2024 का इलेक्शन होने वाला है, जिसके लिए सभी लोग मतदान जरूर करें। यहाँ पर हमें राजस्थान से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, तमाम अन्य अन्य जगह के लोग जरूर मिले हैं, तमाम चीजें भाई साहब इन्हें आज बज रहा, तो तमाम लोगों से हमने बात की। प्रणाम सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा मूलचंद नाम है। मूलचंद जी कहाँ गए आप? संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई उत्तर प्रदेश है। अरे हरदोई उत्तर प्रदेश। सर 80 में से 64 सीटें ले रखी हैं भाजपा ने, क्या लग रहा है आपकी बार? आपकी बार तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना जी, आप पहले व्यक्ति हैं जो यूपी की बात करके, क्योंकि यूपी में अगर ऐसी बातें हों तो फिर हिल जाएगी भाजपा। बिल्कुल हिल जाएगी इस बार है, लग रहा है पक्का। क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं? रोजगार शिक्षा का बहुत हल, कहाँ लोग रोजगार शिक्षा तो बोली नहीं रहे, लोग बोल रहे राम मंदिर बन गया, शिक्षा की मंदिर से क्या होगा? मंदिर से खाने को थोड़ी मिल जाएगा हमें, बच्चों की पढ़ाई थोड़ी मंदिर से हो जाएगी, स्वास्थ्य व्यवस्था मंदिर से नहीं हो जाएगी ना। ये तो आप बोल रहे हैं, पर लोग तो बोल रहे हैं ना मंदिर बन गया भैया, अब हिंदू मुस्लिम मुस्लिम से खतरा था वो खत्म हो गया, तमाम चीजें। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सभी प्रेम से रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, आपस में कोई लड़ना नहीं चाहता है। मैं आपकी थॉट से बहुत खुश हुआ हूँ, और जो आप बोल रहे हो यकीन उसमें पॉइंट तो है जी। तो क्या लग रहा है आपको, हरदोई से कौन जीतेगा? हरदोई से कोई हो सकता है बसपा का प्रत्याशी जीत जाए। बसपा का प्रत्याशी अभी मुझे ये बस यहाँ पे बस हरियाणा से कोई नहीं मिला, क्योंकि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के सीएम उतरने के बाद बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई हैं। मैं सोच रहा था यहाँ कोई मिले। अब डाउन साउथ की हमने बात देखी, और ऐसे ही हालात 7 स्टेट्स के भी हैं। मणिपुर की बात करें तो वहां तो
जा भी नहीं रही है, भाजपा ने नामांकन तक नहीं किया है और कई अन्य स्टेट में किया भी नहीं है, तो क्या लगता है ये 400 पार ये केवल नारा होने वाला है या वाकई 272 के भी लाले पड़ने वाले हैं? इन तमाम चीजों को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे थे। एक भाई साहब और हैं, मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा बात करेंगे सर, लोकसभा 2024 के बारे में बात कर रहे हैं सर हम। कहाँ से आते हैं आप? प्रणाम। भोपाल से आए हैं। भोपाल से आए हैं, देखिएगा तो मध्य प्रदेश से अभी थोड़ा सा लग रहा था कि मध्य प्रदेश से कोई नहीं हमने सुना, क्या लग रहा है जी? मामा जी को सीएम तो बन नहीं पाए, कुछ परिवर्तन होगा? नहीं, परिवर्तन कोई ज्यादा होने की संभावना तो बहुत ही कम हो रही है। अच्छा। क्योंकि उनका जो काम है वो काम बता रहा है वहाँ पर उनको सीएम नहीं बनाया, बुरा तो लग रहा होगा। अब ये तो उनकी अपनी राजनीति पॉलिसी होती है, जो कुछ न कुछ तो बेनिफिट होगा उनको। क्या लग रहा है अभी बीजेपी कितने सीट लेके आने वाली, क्योंकि मध्य प्रदेश पिछले इलेक्शन में बहुत अच्छा था? इतना तो ज्यादा कहना संभव नहीं है, बाकी फिर भी उनके काम को देखते हुए तो अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उनको। तो चलिएगा, जुड़िएगा आप भी। प्रणाम सर, आप कहाँ से आए सर? झारखंड से। झारखंड से भी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण राज्य है झारखंड। आप भी बोल रहे होंगे यार आज बहुत तैयारी हुई, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इंडिया गेट पे हमें सब कुछ मिलने वाला था इसलिए हम यहाँ पर आए। झारखंड मुख्यमंत्री पूर्व जेल में, क्या लग रहा है एंटी कॉम्पिटेंसी होगी या फिर भाजपा को सीट ले जाने में कामयाब रहेगी? भाजपा कामयाब रहेगी। कितनी सीटें आपको लग रहा है? भाजपा 50 या विथ आजसू गठबंधन। अच्छा या। तो अभी टोटल सीटें कितनी है? पिछली बार जो आई थी वो तो कम थी, 25 थी। हाँ, तो 25 में तो 50 कैसे आ जाएंगे सर? आएंगे, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है ना, हम लोग हर दिन झेल रहे हैं उसको। ये तो मैं समझ गया। मैं बोल, अच्छा चलिए इसी पर भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिन पे भ्रष्टाचार की आपको बू आ रही है, दुर्गंध लग रही है? किसी भी अंचल कार्यालय में जाइए बिना घूस के काम नहीं होना है। अच्छा। नगर निगम में जाइए बिना घूस के काम नहीं होना है। बिजली विभाग में जाइए बिना घूस के काम नहीं होना है। हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह बिना पैसे के कहीं कुछ नहीं है, और पैसे नीचे से ऊपर तक। अब तक कितने सीएम बदल चुके हैं आपके? अभी तक तो हम समझते हैं 20 साल में। ये एक्चुअली मैं क्यों पूछ रहा हूँ, उत्तराखंड से मैं आता हूँ और झारखंड, हम दोनों राज्य एक साथ बने थे। 24 वर्षों में उत्तराखंड को भी बहुत कुछ नहीं मिला, वही हाल झारखंड के भी हैं। अब झारखंड आज थोड़ा परेशान जरूर है, क्योंकि एक्स जो है इनके, जैसे अभी हम दिल्ली में, दिल्ली के खुद के मुख्यमंत्री अभी जेल में है, इनके भी मुख्यमंत्री जेल में है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है झारखंड और तमाम चीजें, लेकिन ये बदलाव कब आएगा? आम आदमी कब जगेगा? आम आदमी जगेगा, थोड़ा वहाँ लिटरेसी की कमी है। लोग पैसे और प्रलोभन पर ज्यादा जाते हैं, जबकि उन्हें देखना चाहिए कि कौन सा सरकार मेरे हित में है। ऐसे तो भाजपा के लिए भी कहा जाए तो काफी दिनों तक उन्होंने राज किया, और उस हिसाब से नहीं राज किया जिस हिसाब से जनता चाहती है। जनता की आकांक्षाएं सरकार से बहुत होती हैं, पर सरकार उस लहजे में काम नहीं करती। नहीं, अब एक चीज बताओ, सरकार को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर काम करना। अगर सरकार बात करेगी मंदिर, मस्जिद या फिर तुम खतरे में हो, तो उस पे कैसे काम होगा? नहीं, मंदिर मस्जिद से मुद्दा सॉल्व नहीं होता है। मुद्दा सॉल्व होता है आपके हर दिन की जो जरूरतें हैं, जिसके लिए आपको भटकना न पड़े, सरकार आपके लिए काम करे। बिल्कुल, क्या बात? बिजली, सड़क, बिल्कुल, एजुकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। बिल्कुल सही है ना। तो झारखंड में कैसा है सर? झारखंड में एजुकेशन का लेवल सिर्फ इतना ही है कि हर स्कूल का रंग हर सरकार के द्वारा बदल दिए जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय भी ज्यादा हो रहा है, पर आपको समझ में आया होगा यहाँ पर क्या कुछ हुआ। इंडिया गेट पर थे हम, ये जहाँ जहाँ आपकी नजर जाएगी, मैं चाहूंगा एक बार आप घुमाएं। ये पूरे भारतवर्ष की वो जनता है जो हर दिन शाम को इंडिया गेट पर आती है और अपने विचार रखती है। आप कहाँ से हैं सर? महाराष्ट्र से। हम बात कर चुके हैं, फिर भी मोटा मोटी जाते जाते, भाजपा कांग्रेस कौन आने वाली महाराष्ट्र में लोकसभा, कौन बेटर परफॉर्म करेगा? 50-50 हो जाएगा। 50-50 होगा। चलिए फिर जुड़िएगा और जल्द जुड़ेंगे आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।